हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। अभी जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि आपको 10 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप कैसे ले सकते हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये जो वीडियो लेके आया इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप घर बैठे ऑनलाइन अपने आप जॉब ढूंढ के अपना वर्क परमिट कैसे लगवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं इस वीडियो में सारे स्टेप्स बताऊंगा। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि इस वीडियो में बताऊंगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बगैर किसी एजेंट को पैसे दिए, किसी कंसल्टेंट को पैसे दिए आप अपना वर्क परमिट कनाडा का कैसे लगवा सकते हैं, वर्क परमिट या वर्क वीजा जिसको हम कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हर आदमी जो है वो बाहर काम करने के लिए जाना चाहता है, और हर आदमी की ये टेंडेंसी है कि वो बाहर जाए, काम करे और ज्यादा पैसे कमाए और अपना अच्छा लाइफस्टाइल जिए और अपनी अच्छी लाइफ व्यतीत करे अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। वो पैसा कमाना चाहता ताकि उसके बच्चों की भी लाइफ अच्छी हो, उसकी फैमिली की लाइफ अच्छी हो। तो इसी चीज को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जो भी ज्यादातर लोग, जैसे 99.9% लोग जो बाहर है वो पैसा कमाना कमाने के लिए जाना चाहते हैं और वहां पे काम करना चाहते हैं, वर्क परमिट में जाना चाहते हैं या वर्क वीजा पे जाना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे जॉब लेनी है, उसके बाद कैसे वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना है। ये किसी भी स्टेप का आपको पता ही नहीं होता। जो भी हम करते हैं काम, वो सुनी सुनाई बातें होती है, उसके बारे में बात करते हैं या किसी एजेंट से आप पूछ लेते हैं, जो एजेंट कहता है आप उसको सच मान के उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है, एजेंट्स आप लोगों से लाखों रुपए लेते हैं इन सब चीजों के लिए। पहले तो आप अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि कुछ लोग सोचते हैं कि शायद बहुत लाखों रुपए खर्च के ही आपको वर्क परमिट मिल सकता है या वर्क वीजा मिल सकता है कैनेडा के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप सिर्फ ये जो मैं वीडियो बना आपके सामने लेके आ रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिए, और ये इसमें मैंने 10 स्टेप डिस्कस किया, आप उसको फॉलो करिए और आपको, मेरा यकीन है कि आपको आप वर्क वीजा कनाडा का लेने में कामयाब हो जाएंगे। तो पहली बात तो यह कि आप अपने रिसर्च करिए, आप अपने हिसाब से देखिए कि आप कौन से फील्ड में हैं और कैसी जॉब आप वहां पे कर सकते हैं। जो जॉब आप कर रहे हैं उसी के एक्सपीरियंस के मुताबिक आप अपनी जॉब सर्च कीजिए वहां पे। अगर आपको लगता है कि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आपको जॉब वहां पे नहीं मिलेगी, तो आप अपने फील्ड को चेंज करिए, आप वो क्वालिफिकेशन लीजिए जिस फील्ड में आप जॉब लेना चाहते हैं और उस चीज में आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी लीजिए। इसके लिए मैंने इस काम के लिए, ये वर्क परमिट और वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए, एक आपके लिए बुक भी लिखी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या है, आप उन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना वर्क परमिट या वर्क वीजा लगवा सकते हैं। तो ये जो बुक है ये मैंने आपके लिए लिखी है, इसका नाम है गेट कनाडा वर्क परमिट और वर्क वीजा विदाउट एजेंट और कंसल्टेंट। तो इसमें मैंने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप, जो आपने फॉलो करने हैं वर्क परमिट कनाडा का लेने के लिए। तो हम अब स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्क परमिट है कनाडा का वो दो तरह का होता है, एक ओपन वर्क परमिट होता है और एक LMIA बेस्ड वर्क परमिट होता है। LMIA बेस्ड वर्क परमिट को एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी कहते हैं। तो वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक होता है कि आपका जो वर्क परमिट मिलेगा उसके ऊपर एम्प्लॉयर का नाम भी लिखा होगा। एम्प्लॉयर का नाम मतलब जिस कंपनी में आप काम करने के लिए जाएंगे, किस बिजनेस में, किसी भी वहां पे, जैसे कोई भी ऑफिस है उसका नाम उस पर लिखा होगा, तो आप वहीं पे जाके काम कर सकते हैं उसी एम्प्लॉयर के बाद जो आपको LMIA लेके देगा। तो उसको कहते हैं LMIA बेस्ड वीजा या एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वीजा। और एक दूसरा वीजा होता है वो उसको कहते हैं ओपन वर्क परमिट। ओपन वर्क परमिट में कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई बार नहीं होता, आप वहां कैनेडा में जाके किसी के पास भी काम कर सकते हैं, आप जहां पे भी एम्प्लॉयर आपको मिल जाएगा वहां पे जाके काम कर सकते हैं, उसको ओपन वर्क परमिट कहते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ LMIA बेस्ड वीजा या एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वीजा के बारे में ही डिस्कस करूंगा। और ये जो बुक है इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है आप नोट करिए, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि दो तरह का वर्क परमिट होता है,
एक LMIA बेस्ड वर्क परमिट और एक एम्प्लॉयर, जिसको एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी कहते हैं, और ओपन वर्क परमिट होता है। तो अब हम जो है सेकेंड स्टेप पे जाते हैं। ये फर्स्ट स्टेप आपको मैंने ये बताया, जो बुक में भी ये चीज डिस्कस की गई है। बुक ये जो बुक है ये LMIA बेस्ड वर्क परमिट के लिए है, एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट के लिए। अब हम सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि आपने जब वर्क परमिट या वर्क वीजा लेना, तो पहले आपके पास जॉब ऑफर लेटर होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने जॉब कहाँ पे सर्च करनी है, वो सारी वेबसाइट मैंने इस बुक में दी हुई है। आप उसमें इस बुक में जाके आप वो वाली वेबसाइट पे अपने लिए एक जॉब सर्च कर सकते हैं, वहां से जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं, और उसके बाद उसके साथ आपको जॉब एग्रीमेंट भी मिल जाएगा। तो उसके बाद ये उसके बाद इसमें ये बताया कि आपने अगर इसमें सारी वेबसाइट्स का नाम भी दिया हुआ, काफी वेबसाइट्स का नाम दिया हुआ, जिसके ऊपर जाके आप जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब ऑफर लेटर ले सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपने जब जॉब लेनी है, थर्ड पॉइंट ये है कि जब आपने जॉब लेनी है, तो आपने एक ATS फ्रेंडली रिज्यूम बनाना है। तो वो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने बताया कि ATS फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहां पे जाके उसके समझ सकते हैं कि ATS फ्रेंडली रिज्यूम कैसे बनाना है, और उस पे जाके आप अपना ATS फ्रेंडली रिज्यूम भी बना सकते हैं, जिसको कैनेडियन फॉर्मेट भी कहते हैं रिज्यूम का। उसके बाद आपको जो है जो सेकंड पॉइंट है, वो ATS फ्रेंडली रिज्यूम बना के अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और रेगुलरली अप्लाई करना। आपको उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे 1-1.5 घंटा रोज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और आपने रोज रिज्यूम पोस्ट करने हैं अपने एक्सपीरियंस और अपने एजुकेशन के बेस पे। जो भी आपकी जॉब है उसके ऊपर आपने रिज्यूम पोस्ट करने हैं। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में ये बताया कि आपको LMIA लेना पड़ेगा। वो जो LMIA है वो आपको एम्प्लॉयर इशू करवा के देगा ESDC कनाडा से, जिसको हम कहते हैं सर्विस कनाडा भी कहते हैं उसको। उस डिपार्टमेंट का फुल नाम है ESDC कनाडा। वहां से वो आपको LMIA इशू करवा के देगा। LMIA को हम लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट भी कहते हैं। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एम्प्लॉयर की है, वो आपको ये करवा के देगा, आपको जॉब ऑफर लेटर के साथ भेजेगा। उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा, सारा डिटेल दिया होगा कि कौन सी जॉब आप कर रहे हो, सारा उसका उसमें कौन सी कितनी सैलरी आपको मिल रही है, सब कुछ है। ये ESDC कनाडा इशू करता है, जो वो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है उनको वो इशू करके देंगे, और वो उसको जॉब ऑफर लेटर के साथ आपको भेजेगा। जब आपको जॉब ऑफर लेटर और LMIA मिल जाएगा, तो उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है कि आपको उस वक्त इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वर्क परमिट या वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इंडिया में, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो। तो अगर आप किसी भी जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, वहां से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप कनाडा में भी है, तो कनाडा में आपको वर्क परमिट या वर्क वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उस बेस पे। तो उसके लिए आपको जो भी है डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स है, और वो आपको भरने पड़ेंगे। उसकी डिटेल भी मैंने इस बुक में दी हुई है, और इसमें मैंने सारे जो फॉर्म्स है, आपके नंबर जो जिस जो भी है नंबर है, फॉर्म है, कौन सा फॉर्म भरना है, और कहाँ से डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और कितने फॉर्म भरने हैं, ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है, और फॉर्म में अलग अलग ब्लैंक्स में क्या भरना है ये भी इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए ये बुक बड़ी हेल्पफुल है, यूजफुल है। तो आपको ये आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, अपने आप अपनी आप वर्क वीजा के लिए फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं आप इस बुक के थ्रू। तो इसमें सारे डिटेल दिए हुए हैं, और उसमें क्या भरना है, और कहाँ से डाउनलोड करने हैं, और कहाँ कहाँ सिग्नेचर करने हैं, क्या क्या कहाँ पे लिखना है, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो उसके बाद जब आप ये फाइल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद क्या है कि आपको जो पांचवा जो इसके बाद आता है छठवां पॉइंट आता है कि आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी जाना पड़ेगा। और वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो जो पैनल फिजिशियंस हैं, जो कैनेडियन एम्बेसी के पैनल डॉक्टर्स हैं, वो ही कंडक्ट करते हैं। आप ये नहीं है कि कहीं से भी मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, सिर्फ वो ही कंडक्ट करेंगे। उसकी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, जो भी है वो डॉक्टर को आपको फीस पे करनी पड़ेगी। वो आपको लिस्ट मिलेगी पूरी, जो डॉक्टर्स हैं जो कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से पैनल में हैं, और उनके तरफ से शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, उनके पास जाके आपने अपना मेडिकल चेकअप करवाना। और वो जो मेडिकल है वो आपको अपनी जब आप फाइल प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी, जब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके साथ आपको वो कागज लेके जाने हैं, वहां पे सबमिट करने हैं। तो ये सारे डिटेल इस बुक में दिए हुए हैं।
तो क्या क्या चीज आपको लेके जानी है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और कैसे आपको वहां पे जाके इंटरव्यू देनी है, ये सारे डिटेल इसमें दिए हुए हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं सातवें पॉइंट में। सातवें पॉइंट में ये है कि जब आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक फाइल प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसमें काफी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आपके क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका पीसीसी भी लगता है उसमें, पीसीसी कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और वो भी आपको इसमें लगाना पड़ेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट, जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, आपके बैंक स्टेटमेंट, आपका जो भी चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, इसका सारा डिटेल मैंने इस बुक में आपको दिया हुआ है। इस बुक में ये सारे डिटेल दिए हुए हैं, तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके अपने फाइल में लगा सकते हैं। उसका स्पेसिमन भी दिया हुआ, मैंने सैंपल भी दिया हुआ कि किस तरह का आपने ये बनाना है, उसका सैंपल और स्पेसिमन सारा कुछ इसमें दिया हुआ। उसको आप कॉपी करके उसके ऊपर बना के आप सारा बिल्कुल वैसे डॉक्यूमेंट बना के आप सबमिट कर सकते हैं। एसओपी भी देनी पड़ती है, सारा कवर लेटर जिसको कहते हैं, वो भी आपको साथ में देना पड़ता है। तो ये था मेरा मेरा सातवां पॉइंट। अब हम चलते हैं एट्थ पॉइंट पे। एट्थ पॉइंट में ये है कि आपका जब आपको आप फाइल सबमिट करेंगे उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अपॉइंटमेंट होगी जिस दिन आप वहाँ, आपको एम्बेसी जाके इंटरव्यू देनी पड़ेगी, और इंटरव्यू में जो वीजा ऑफिसर है वो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा, आपके जॉब के रिलेटेड पूछेगा, और जो जो आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने सबमिट किया उसमें जो भरा होगा उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और वो सारे डिटेल्स आपसे मांग सकता है। आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने पास भी रखने चाहिए। आपने जो डॉक्यूमेंट फाइल में लगाया वो तो ठीक है, उसके कॉपी, हर चीज की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर वो वीजा ऑफिसर आपसे मांगे तो आप उसको एकदम निकाल के आप दिखा सकते हैं। तो इसमें वीजा ऑफिसर आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछेगा, क्या क्या क्वेश्चन है, वो भी सारे डिटेल इसमें बुक में दिए हुए हैं। तो आप इस बुक से सारी प्रेपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट में ये बताया गया कि जब आपको वर्क वीजा या वर्क परमिट मिल जाता है तो उसके बाद आपने क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या आपको जरूरत होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या सामान आपने साथ में लेके जाना, क्या क्या आप ले जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहां भी चाहिए होंगे जब आप वहां पे लैंड करेंगे, कैसे कैसे वहां पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भी आपसे थोड़ी इंटरव्यू लेंगे आपकी, वो सारी डिटेल इसमें दिए हुए हैं। तो हम आ जाते हैं उसके बाद टेंथ पॉइंट में। टेंथ पॉइंट में ये बताया, वो ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंथ पॉइंट। जब आपको वर्क परमिट या वर्क वीजा मिल जाता है तो आपको उस वक्त मतलब अपने साथ, एक तो ये है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए और मतलब आपने क्या क्या करना है। उसके बाद सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना वैस करवाना है, वैस जो जितने भी आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स है उसका आपने वैस करवाना है बोर्ड एजुकेशन सोसाइटी से, उसको सर्टिफाई करवाने हैं ताकि आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। जब आप वहां पे जाएंगे, आप वर्क परमिट पे जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, तो उसके बाद आप नेचुरली आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आपको वैस चाहिए होगा, आईलेट्स, आईलेट्स, और जो नेक्स्ट चीज है वो आईलेट्स भी आप यहाँ से क्लियर करके जाइए। वो मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ से आईलेट्स क्लियर करके जाइए, ताकि जब आप वहां पे चले जाएंगे तो आप अपने काम में बिजी हो जाएंगे, तो आपको इस काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और मोर ओवर वैस तो आप वहां से करवा भी नहीं सकेंगे क्योंकि उसके लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया भी आना पड़ सकता है, तो इसके लिए फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप यहीं से वैस करवा के जाइए और आईलेट्स भी करके जाइए, ताकि आपको वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आईलेट्स आपने जनरल करना है, वो एकेडमिक वाला नहीं करना है, जनरल करना है, वो आप करके जाइए। वो आईलेट्स का जो स्कोर है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप इजीली करके यहाँ से जा सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको वहां पे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, कल को आप जब इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको ये दो चीजें चाहिए होंगी। अगर आप पहले से तैयारी नहीं करके जाएंगे तो वहां पे फिर एकदम आप नहीं कर पाओगे, तो आपका जो चांस है पीआर का कई बारी मिस भी हो सकता है, तो इस चीज को आप बहुत ध्यान रखिए। सो ये थे मेरे सारे 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि वर्क परमिट या वर्क वीजा कैसे लेना आपने इंडिया या किसी और कंट्री, या इवन आप अगर कनाडा में भी है तो आपने कैसे लेना है, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली अपने लिए कनाडा में जॉब सर्च करके वहाँ पे जा सकते हैं वर्क परमिट और वर्क वीजा के ऊपर, और बाद में वो ही आपको हेल्प करेगा आपको पीआर लेने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, काफी क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आप में कोई डाउट है, कोई मन में आपके क्वेश्चन है, तो आप मेरे को फोन करके पूछ सकते हैं, जिसका नंबर, जो फोन नंबर है, मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो
तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बुक है ये 450 रुपीज ओनली है, इसकी प्राइस है, इसकी जो प्राइस है 450 रुपये है सिर्फ। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप मेरे को ये जो 450 रुपीज है वो आप पेटीएम द्वारा या गूगल पे के द्वारा भेज सकते हैं। मैंने पेटीएम और गूगल पे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उस पर भेज दीजिए। जैसे ही आपके पैसे मुझे मिलेंगे मैं आपको ये बुक आपके एड्रेस पे रजिस्टर्ड पार्सल या कुरियर के द्वारा भेज दूंगा। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि आपने कहा था कि मैं फ्री में कैसे वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप तो अब कह रहे हैं कि ये बुक है 450 रुपये की है, 450 रुपये की है। तो अगर आप 450 रुपये भी नहीं खर्चना चाहते तो आप एक काम करिए, आप जो ये मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, इसको इस पे कमेंट डालिए और इसको लाइक करिए, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, कम से कम 5 लोगों से के साथ शेयर करिए, और उसके बाद इसके ऊपर आप कमेंट लिखिए और इस पे लाइक करिए, और इसके बाद जो और किसी भी 5 वीडियोस को आप वॉच करिए और उसके ऊपर आप लाइक करिए, कमेंट करिए, और उनको कम से कम 5 लोगों के साथ आप शेयर करिए, अपने 5 फ्रेंड या फैमिली मेंबर या रिलेटिव के साथ शेयर करिए, और उसका जो डिटेल आप मुझे मेरे ईमेल आईडी में भेजिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे ही आप मेरे को ईमेल भेजेंगे कि आपने ये जो मेरी कंडीशन है इसको फुलफिल किया, तो मैं आपको ये इस बुक की सॉफ्ट कॉपी आपके ईमेल पे फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा। तो इससे आपके को बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको वर्क परमिट लेने में या वर्क वीजा लेने में, तो आप इजीली अपना वर्क परमिट और वर्क वीजा अप्लाई करके आप वहाँ कैनेडा में जो विद जॉब जा सकते हैं और वहाँ पे जाके आप अपनी पीआर भी ले सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको इसके ऊपर कमेंट करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, और मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो इसके बाद फिर मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय।